समस्त भारतवर्ष आए किसान साथियों, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करता हूं। 28-29 तारीख की बात है जब मैं यहां बोल रहा था, किसी साथी ने मेरे पाछा हाथ ला दिया, मैं गर्म हो गया और एक टिप्पणी कर दी। पूरा भाषण काट के बीजेपी के साथियों ने मेरी वही लाइन चला रखी है, पूरे हरियाणा पंजाब में घूम रही है। मैं गर्म हुआ था एक व्यक्ति पे, और उस भाई वो मेरे को जानता नहीं था, उसका मेरा समझौता भी उसी दिन हो लिया। मगर बीजेपी वाले हरियाणा पंजाब में ये दिखा रहे कि सुरेश कोथ ने पंजाब के लोगों के बारे में कुछ बोला। भाइयों, इन्होंने वह नहीं दिखाई कि जिस दिन आप यहां आए सबसे पहले सुरेश कोथ ने कहा था कि इन पगड़ी वाले भाइयों के साथ मेरा खून का रिश्ता है, कोई टोक नहीं देगा इनको। किसी भाई का दुख हो गया फिर भी माफी मांगूंगा, मेरा थोड़ा गर्म सभा है, पीछे तो टोक दिया था एक भाई ने। अब मैं आज की बात पे आता हूं। आदरणीय किसान साथियों, आज हमारा धरने को लगभग 3 महीने हो गए। और अगर देखा जाए भारत के संविधान की प्रस्तावना जब लिखी गई, उस समय के लिखने वाले, हमारे देश के बारे में सोचने वाले हमारे महापुरुषों ने 2-3 शब्दों के ऊपर बड़ा जोर दिया। एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश की कल्पना की थी। आज हमें विचार करते हैं, क्या हम समाजवादी हैं? क्या हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है? आज हम अगर सोचा विचार करें, क्या हमारा स्टेट पंथ निरपेक्ष है? अगर आज हम विचार करें, क्या हमारा देश आज लोकतांत्रिक है? सही मायनों में अगर देखा जाए, आज की परिस्थिति अगर देखी जाए तो बड़ा कड़वा जवाब होगा। साथियों, जिस देश के अंदर हर चीज को व्यापार की दृष्टि से देखा जाना जाए, जिसके मां के दूध का मोल भी इस हिसाब से किया जाए कि अगर बछड़ा दूध पीता है तो उसकी कीमत कितनी होगी, जो इंसान रोटी खाता है उसकी कीमत क्या होगी, वो कम पैसे की कम की होगी या ज्यादा की होगी, तो उसको समाजवादी स्टेट नहीं कहा जा सकता। समाजवादी स्टेट का मतलब होता है समाज के अंदर रहने वाले हर पशु पक्षी जन जीवन या मनुष्य को सबसे पहले खाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सबसे पहले उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, अन्न चाहिए, घास चाहिए। मगर यहां क्या हो रहा है, आज हमारी रोटी को ही व्यापार बना दिया गया। आज किसान मजदूर की रोटी के जो हम ये आंदोलन लड़ रहे, ये व्यापार के तहत ले जाकर के कानून बना दिया। दूसरा बात की जाए पंथ निरपेक्ष की, आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी गद्दी के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो संगठन उनका संचालित कर रहा है, आरएसएस उसका नाम है, क्या वो सभी धर्मों की बात करता है? नहीं करता। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है, नहीं करता। आज वो सभी जातियों की बात नहीं करता, आज वो सभी पंथों की बात नहीं करता। आज भारतवर्ष का मीडिया जो सबसे बड़ा देशद्रोह कर रहा है, अगर संविधान के खिलाफ कोई काम करता है उसको देशद्रोह कहा जाता है। आज भारतवर्ष का फ्रंट लाइन का मीडिया किसान को जाति और धर्म में बांटता है। आज हमें बताता है कि ये सिख किसान है, ये हिंदू किसान है, ये मुसलमान किसान है। सबसे बड़ा देशद्रोही अगर कोई है तो भारत की फ्रंट लाइन मीडिया है, मेरे देश को तोड़ने पर तुली हुई।
तीसरी बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को अपने आवाज उठाने का अधिकार होता है। हमारा आंदोलन चला हुआ है, जो भी साथी हमारे हक में लिखता है, जो भी साथी हमारे हक में बोलता है, जो भी साथी हमारे हक में कोई सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता है, उसको उठा करके देशद्रोह का केस लगा के अंदर करते हैं आप लोग। फिर लोकतंत्र किस बात का बचा भाई? लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। तानाशाह लोग बड़े कमजोर होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर शासन के खिलाफ आवाज उठाना नागरिक का अधिकार होता है, और आंदोलन उस लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, क्योंकि आंदोलन के द्वारा वो चीजें निखर के आती है। जैसे आज किसान आंदोलन चला हुआ है, आज हमारे तीनों कानूनों के द्वारा किसान के ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है, किसान किस तरह बर्बाद होने वाला है, ये चीजें निखर के आ रही है। यह हम लोग समझ रहे, पूरे भारतवर्ष की जनता इस बात को समझ रही है कि कौन सा कानून हमारे हक में है और कौन सा कानून हमारे खिलाफ है। ये लोकतंत्र की ताकत होती है। मगर तानाशाह लोग अपने खिलाफ एक अक्षर भी सहन नहीं करना चाहते। दुर्भाग्य इस देश का, मीडिया बांट रही है, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जो भी चाहे पत्रकार हो, चाहे को आपका बड़ा वकील हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजिस हो, जो भी किसान आंदोलन का समर्थन करता है उनके खिलाफ केस दायर कर दिए जाते हैं। साथियों, जहां हम किसान का आंदोलन लड़ रहे, किसान के लिए लड़ रहे, मजदूर के लिए लड़ रहे, वही एक बात याद रखो, आज यह लड़ाई हर जन की इनका मुंह तोड़ जवाब देने की हो चुकी है। आज जिस तरह हम किसानों का कानून तो वापस करवा के जाएंगे, इस देश के अंदर सच्चा लोकतंत्र भी स्थापित करके जाएंगे। जिस लोकतंत्र के अंदर हर किसान को आवाज उठाने का अधिकार हो, जिस लोकतंत्र के अंदर हर मजदूर को अपने लिए बोलने का अधिकार हो, हम वो भी चीज करवा के जाएंगे। जो लोग हमारे को जाति धर्म में बांटते ना, वो सुन लो, ध्यान से सुन लो, कान खोल करके। इस देश के अंदर हमेशा ये देश पंथ निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें बांट नहीं सकती, क्योंकि हमारे खून के अंदर हमें हुआ है। आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप इसको बांट नहीं पाओगे। दुर्भाग्य इस देश का, इन तीनों शब्दों का दिन में मैंने जिक्र किया, यह संविधान की प्रस्तावना में लिखित है, मगर ये लोग संविधान को मानते ही नहीं, ये लोग संविधान की कदर नहीं करते। मनुस्मृति के तहत चलते हैं, मनुस्मृति के तहत, और मनुस्मृति वो हमारा एक ग्रंथ इन्होंने बना रखा है, जो वर्णों में बांटता है, जो जातियों में बांटता है, जो धर्मों में बांटता है, जो अपने तरह की अकल व्याख्या करता है, हर इंसान को इंसान में बांटता है। इसलिए साथियों, याद रखे सत्ता में बैठे लोग, ये देश संविधान से चलता था, ये देश संविधान से चलता है, और ये देश संविधान से चलेगा। आपकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे। क्या समझते हैं आप? किसी का भी चल जला कर एक आध बार सिक्का, इनकी एक ट्रेनिंग है, आरएसएस के साथियों की एक शिक्षा दी जाती है इनको, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ऊंचे से बोलो, सिर्फ ये होता विकास नाम की इनके पास कोई चीज नहीं होती। इनको सिखाया जाता है जाति और धर्म का इतना जहर भर दो कि लोग अपने आप आपको वोट दे। लेकिन हम इस स्टेज के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारी जाति भी किसान है, हमारा धर्म भी किसान है,
हमारा स्टेट भी किसान है, हमारा पैसा भी किसान है और मैं एक भारतीय किसान हूं। इस नीति के तहत हम लड़ाई लड़ने और आगे भी लड़ते रहेंगे। किसान साथियों, आज मैंने मीटिंग में जाना, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लीजिए माफी चाहूंगा। आज तो मैं यहां बता रहा था, मैं पंजाब के भाई, उत्तर प्रदेश के भाई, हरियाणा के भाई या किसी भी स्टेट का किसान, मेरा भाई था, है और रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत